हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। इस समय एक एक्स्ट्रा न्यू पॉइंट है, एक्सेप्शनल है। समझो, अगर मुझे एग्जाम में सबसे हार्ड सम पूछना हो तो मैं ऐसा सम पूछूंगा। और यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। जो शेयर कैपिटल है ना, वो टू टाइप के शेयर्स हैं, ए शेयर एंड बी शेयर। और दोनों का वैल्यू अलग अलग है, फेस वैल्यू अलग अलग है। ए शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है और बी शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है। सो आइए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ अयोध्या लिमिटेड एज ऑन 31st March इज एज अंडर। कैपिटल, रिजर्व, लाइबिलिटीज, डेप्रिशिएशन फंड, असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन्स, इन्वेस्टमेंट्स, सब्सिडियरी कंपनी मीन्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, PF ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स नॉन ट्रेडिंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस हैं, कभी लेते नहीं हैं, स्टॉक डेटर्स एंड कैश। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है या नहीं इस समय। सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए देखें, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो सीधा शेयर कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे। तो यहाँ फिफ्थ पॉइंट में देखिए, द गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है हमें पहले गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसी सम के कुछ होमवर्क दे देता हूँ, जैसे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो। सो ये न्यू एडिशन है मेरे पास, जो अभी तक का ये एडिशन अवेलेबल है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में दे रहा हूँ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सलोनी लिमिटेड। सलोनी लिमिटेड देखिए, 11,40,000 आपको बुक में आगे पीछे मिल जाएगा, ओल्ड एडिशन होगा तो। ये आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 17 मैं यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क। और दूसरा, आप इलस्ट्रेशन 19 एंड इलस्ट्रेशन 15 भी करोगे, ये भी आप होमवर्क में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करोगे। सो आइए ये सम स्टार्ट कर देते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में असेट्स कैलकुलेट करने होंगे। सो असेट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 4,50,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, ₹7,500 डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अयोध्या लिमिटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग 60% टैक्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इज 122, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है, अब बाकी के असेट्स क्या करेंगे, बुक वैल्यू पर ले लेंगे। सो मशीन, अब मशीन में देखिए 3,50,000 का मशीन है और सामने 52,500 का डेप्रिशिएशन फंड पड़ा है, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2,97,500। मशीन के बाद गुडविल लेते नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, गुडविल नहीं लेंगे। ये सारे रूल्स हम गुडविल वाले चैप्टर में सीख कर आए हैं। शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी लेने हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हम लेंगे। शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 75,000, 12% PF इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी फंड
या इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एनी रिजर्व हो तो लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं लेते, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते, स्टॉक 99,500, डेटर्स 72,000 आफ्टर BDR लेते हैं हमेशा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। तो ये हो गए सारे एसेट्स जो हमने कैलकुलेट कर लिए। सो टोटल कर लेते हैं एक बार, 450,000, 297,500, 75,000, 15,000, 99,500, 72,000 एंड 30,000, 10 lakhs, 39,000 टोटल ऑफ एसेट्स। माइनस करेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते, रिजर्व्स भी नहीं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में है 10% डिबेंचर्स 1,25,000, प्रोविडेंट फंड 15,000, क्रेडिटर्स 49,000। सो टोटल करेंगे 1,25,000, 15,000 एंड 49,000। सो आंसर आ जाएगा 1,89,000। 10,39,000 में से माइनस करेंगे सो 8,50,000। ये मैं गुडविल के ही सारे स्टेप्स कर रहा हूँ अभी तक। अब इतना करने के बाद माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है देखो 2 lakh rupees का। सो 8,50,000 में से 2 lakh माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6,50,000, दैट इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ फर्स्ट स्टेप गुडविल का हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये गुडविल में टोटल हमें 5 steps कैलकुलेट करने होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर दिया, सेकंड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमने आगे वाले सारे सम्स में ये फॉर्मूला लिखा है, आपको एग्जाम में भी लिखना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड 6,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। सो ये आंसर हो जाएगा 65,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ थर्ड स्टेप करेंगे एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1,22,000 था एवरेज प्रॉफिट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट 1,22,000। माइनस करते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में इनके पास 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, ये नॉन ट्रेडिंग है 50,000। सो 50,000 का 10% करेंगे 5,000। मोस्टली सम्स में जो टैक्स दिया हुआ है वो 50% है, बट इस सम में 60% है। तो ये आप एग्जाम में ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग 5,000 कैसे आया, 50,000 का 10%, एंड देन टैक्स 60%, ये हो जाएगा 5,000 का 60% 3,000। सो 5 माइनस 3, सो आंसर आ जाएगा 2,000
122 माइनस 2 120,000। माइनस करते हैं इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए कितना है, 2 लाख, 2 लाख का 10%, सो 2 लाख का 10% होगा 20,000। सो 120 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आ गया 1 लाख हमारा एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। नाउ स्टेप नंबर 4 है सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया था हमने 65,000। सो 1 लाख माइनस 65 तो आंसर आ जाएगा 35,000। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 5 गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये सारे के सारे स्टेप्स हमने गुडविल चैप्टर में सीखे हैं, आपको गुडविल चैप्टर को फॉलो करना है। सो सुपर प्रॉफिट 35,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स 2, सो आंसर विल बी 70,000। सो यहाँ तक जो हमने 5 स्टेप्स कैलकुलेट किए, यहाँ पर तो हमने सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही किया है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, ये 2 स्टेप्स हैं एसेट्स के और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के, और ये बाकी के 3, 4, 5 स्टेप्स गुडविल कैलकुलेट किया है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करेंगे, सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने आगे कैलकुलेट किया है। अब आपको फॉर्मेट याद हो जाने चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 6,50,000। कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे व्हेन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम ऐड करेंगे गुडविल प्लस ऐड करेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लस हम इसमें ऐड करेंगे कॉल्स, कॉल्स ऑन शेयर्स अगर कॉल्स बाकी हैं तो। आप फर्स्ट लेक्चर में जो फॉर्मेट लिखवाया है वो देख लीजिए। गुडविल जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया 70,000। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए हुए थे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं 50,000। एंड कॉल्स ऑन शेयर्स, सो कॉल्स कितने हैं, किसी शेयर का बाकी है तो देखिए 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 50 पेडअप है तो ये पार्टली पेडअप है, एंड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 3 लाख है तो ये फुली पेडअप है। तो ये जो 5,000 है 100 रुपीज़ के, उस पर 50 पैडअप है तो 50 रुपीज़ बाकी हैं। सो 5,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज़, सो 5,000 इंटू 50 2,50,000। सो टोटल करेंगे अब हम 650 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 250, सो 10,20,000। अब यहाँ तक तो हमने सम सेम किया है, यहाँ तक हमने कोई चेंजेस किए नहीं है। अब आगे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि नेट एसेट्स, ये जो नेट एसेट्स हैं, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स का अगर वैल्यू सेम होता ना, दोनों 100 रुपीज़ वाले होते या दोनों 10 रुपीज़ वाले होते तो हम सीधा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते। बट यहाँ पर क्या है, एक शेयर 100 रुपीज़ वाला है और दूसरा 10 वाला है। अब अगर यहाँ हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे
तो जिसने हमारी कंपनी में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है उसे भी सेम वैल्यू मिलेगी, और जिसने 10 रुपीज इन्वेस्ट किया है उसे भी सेम वैल्यू मिलेगी। सो यहां पर हमें एक एडिशनल स्टेप करना होगा। अब सपोज करो ये जो 100 रुपीज वाले शेयर्स हैं ना, मैं इन्हें ए शेयर्स लिख देता हूँ, और जो 10 रुपीज वाले शेयर्स हैं मैं इन्हें सपोज बी शेयर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो नेट एसेट्स हैं ना, इस नेट एसेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक ए शेयर्स का नेट एसेट्स और बी शेयर का नेट एसेट्स। तो ए शेयर का नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो 5000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100, तो ये आंसर आ जाएगा 5 लैक्स। ये स्टेप एक्स्ट्रा तभी करना है जब वैल्यू अलग अलग हो, दो शेयर हैं और दोनों का वैल्यू अलग अलग हो, जैसे इस समय है 100 रुपीज एंड 10 रुपीज। बी शेयर हैं 30,000 शेयर्स और इसका वैल्यू है 10 रुपीज, सो इसका टोटल कैपिटल हो जाएगा 3 लैख। अब ए शेयर का कैपिटल 5 लैख, बी शेयर का कैपिटल 3 लैख, तो मैं रेशियो निकालूंगा तो रेशियो बैठेगा 5:3। सो हमें ऐसा रेशियो निकालना पड़ेगा। अब रेशियो निकालते वक्त हमें क्या करना है, हमें ये जो 10,20,000 है इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए शेयर के लिए 10,20,000 इंटू 5/8, सो 10,20,000 इंटू 5/8 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6,37,500। और ऐसा ही बी शेयर के लिए भी करेंगे कि बी शेयर 10,20,000 इंटू 3/8, सो 10,20,000 इंटू 3/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,82,500। अब ये हो गई अलग अलग दोनों शेयर्स का नेट एसेट्स। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो ये 3,37,500 है, सो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ पर नेट एसेट्स है 6,37,500 डिवाइड बाय 5,000 शेयर्स हैं, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 6,37,500 डिवाइड बाय 5,000, 127.5। माइनस करेंगे इसमें से अनपेड कॉल्स 127.5 जो वैल्यू है ये फुली पेड अप शेयर का है, लेकिन इसमें से 50 रुपीज़ तो अभी इन्होंने पे ही नहीं किया है शेयर होल्डर्स ने, सो 77.5 वैल्यू हो जाएगा, 5 या 50 दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो हमेशा याद रखना, जब भी 2 टाइप के शेयर्स दिए हों 110, तो पहले नेट एसेट्स को उनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे एंड देन इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। सो ये आ गया 100 रुपीज़ वाले शेयर का वैल्यू 127.5, और उसमें से उन्होंने 50 पैड नहीं किया है तो बाकी वैल्यू होगी 77.5। और ऐसा ही बी के लिए करेंगे तो बी का इंट्रेंसिंग वैल्यू क्या होगा, तो बी का इंट्रेंसिंग वैल्यू होगा सेम नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो नेट एसेट्स है 3,82,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000, बी शेयर्स 30,000 है, सो 3,82,500 को अगर हम 30,000 से डिवाइड करेंगे सो आंसर आ गया 12.75। तो ये जो 12.75 है इसका यही वैल्यू रहेगा क्योंकि ये फुली पेड अप शेयर्स है। अब हमें क्वेश्चन में लास्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। सो मार्केट वैल्यू, अब जब भी हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सो मार्केट वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सो मार्केट वैल्यू के लिए हमें 3 स्टेप्स चाहिए। नंबर फर्स्ट स्टेप ए, जिसमें हम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सो डिविजिबल प्रॉफिट।
सो प्रॉफिट तो हमने गुडविल के टाइम पे कैलकुलेट किया था, फिर भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1,22,000 प्रॉफिट बुक में ही दिया हुआ है। अब इस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हम पहले भी कैलकुलेट करके आए 2,00,000 का 10% 20,000, सो ये हो जाएगा 1,02,000। स्टेप ए पूरा हो गया। स्टेप बी होगा रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिविजिबल प्रॉफिट, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, डिविजिबल प्रॉफिट 1,02,000 डिवाइड बाय टोटल पेडअप कैपिटल। अब टोटल पेडअप कैपिटल कितना होगा, सो टोटल पेडअप कैपिटल है 250 and 3, तो 550 into 100, सो 1,02,000 डिवाइड बाय 550 into 100 करेंगे तो ये आंसर आएगा 18.55%, 18.54 है, 55 कर देता, तो ये हो गया स्टेप बी। नाउ स्टेप सी करेंगे, सो स्टेप सी में क्या होता है, तो स्टेप सी में होता है मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, सो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेडअप वैल्यू पर शेयर। क्या लिखना है हमें, पेडअप वैल्यू पर शेयर। सो सबसे पहले मैं ए शेयर ले लेता हूं जो 100 रुपीज वाले थे, सो 18.55 रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट 10 इंटू पेडअप वैल्यू पर शेयर, पेडअप वैल्यू पर शेयर है 50 रुपीज, ए शेयर का है 50, सो 18.55 इंटू 50 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 92.75। ये है 100 रुपीज वाले शेयर जो 50 रुपीज पेडअप थे, और बी शेयर जो 10 रुपीज वाले थे, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट रेट ऑफ डिविडेंड 18.55, एक्सपेक्टेड 10, और उन शेयर का वैल्यू पेडअप वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर था। सो यहाँ पर 10 कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18.55। देखिए ये एक्सेप्शनल था, न्यू पॉइंट थी, इसी सम में था, सो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा आपको ये करने के लिए। सो स्टूडेंट ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट सेशन का रिक्वेस्ट आया तो मैं ज़रूर एक लेक्चर बनाऊँगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर पहले हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया है, अब आप नोट डाउन करते जाइए, ये सेकंड पेज है जहाँ पर गुडविल पूरा हुआ। देन ये है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये स्टेप न्यू था इस समय आया। और ये है रेट ऑफ डिविडेंड, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किया है यहां से। और ये है लास्ट ए और बी की मार्केट वैल्यू। सो दैट्स इट स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहां कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ।